कर दूंगा दिवाली के 3 दिन 4 दिन मजे करेंगे। लेनी है अच्छे से यहाँ पे, मतलब टाइम की लेनी है। अपन कुछ लंबी राइड प्लान करेंगे, जल्द जल्द। किसी को कम है पिज्जा का? अलग पचिया होना। एक बार फिर से दोहराऊं, गौर कीजिएगा कि त्योहारों का असली मजा ना अपनों के साथ आता है, अपनों के पास आता है। जाओ कि मैं दिवाली के 2 दिन पहले पूरी शॉपिंग कर दूंगा। मैं दिवाली के 1 महीने से पहले स्टार्ट कर दूंगा, शॉपिंग कर दूंगा। दिवाली के 3 दिन 4 दिन मजे करेंगे, दिवाली भी मजे करेंगे। पर सीन क्या होता है, दिवाली के दिन कुछ ना कुछ काम तो निकल जाता है, मतलब हमको दौड़ना पड़ता है। मतलब कितना भी प्लान कर लो, कितना भी प्लॉटिंग कर लो, पर दिवाली के दिन हम दौड़ गए, दैट फॉर श्योर। और ये रूल है। सो हाई वेलकम बैक टू माई चैनल सूची प्रसाद। आई नो बहुत टाइम से मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था, उसका भी कुछ रीज़न था, अलग सा रीज़न था। क्या था, क्यों नहीं कर रहा था, वो सब मैं बताऊंगा। फिलहाल चाय ऐसा कर लेता हूँ, काम खत्म करता हूँ और आप फिर मिलता हूँ। और भाई अगर धनतेरस है तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल। मे बी आप धनतेरस के बाद ब्लॉग देखोगे, मतलब कल आएगा तो कल शायद से कल तक काली चौदस भी बैठ जाएगी। पर आज के लिए हैप्पी धनतेरस, मिल रहा हूँ मैं जल्द। काम खत्म, चाहे सब भी खत्म, पापा मम्मी कुछ ना कुछ अपने काम में लग गए। छोटू लोग आए हुए तो वहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी शॉम की, तो वो लोग डांस वांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बिकॉज आफ्टर इट्स अ फेस्टिव सीजन, तो माहौल बनाना भी बनता है। फिलहाल के लिए बाल काफ़ी बढ़ गए, उसको थोड़ा ट्रिम कर रहे हैं, बिकॉज बाल और बढ़ाना है तो ना ट्रिम करना ज़रूरी है। तो अभी फिलहाल के थोड़ा सलून जाते हैं, ग्रूम होते हैं, कपड़े तो आ ही गए वैसे, भाई आके चला गया यहाँ से। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। फिलहाल के प्रिया के वहाँ जाते हैं। मैं तो 15-20 मिनट से यहाँ पे आके खड़ा हूँ। मैं बोला था ना रियांग लेट होगा, सेम सीन है यहाँ पे। मैं कब से खड़ा हूँ साला, अभी तक आया नहीं है। हर 7-7 मिनट 8-8 मिनट का मैं लगा रहा हूँ प्रियांग प्रियांग। भाई मेरे लोग खाते पीते क्या करें पता ही नहीं। फिर से बोल रहे प्रियांग कॉल कर, कॉल क्या कॉल कर। भाई के नवाबी शौक अमीर ज्यादा खड़े हैं। मैं पुकार लगा हूँ प्रियांग प्रियांग, ज्यादा बोले कॉल कर तो ही मैं उठाऊंगा, तो ही मैं सुनूंगा। एल्स मतलब ये लॉजिक क्या बनता है पता नहीं यार, उनका लॉजिक है, बड़े लोग के बड़े लॉजिक होते हैं। ही इज काइंड ऑफ दैट पर्सन, तो उनका भी कुछ लॉजिक होगा, पर अपन इन लॉजिक को फॉलो नहीं करेंगे। भाई जल्द ही आना यार, चल फटाफट। मैं अमीर साहब आ गए और सर गले में चेन, मतलब पैसा ही पैसा दिख। पैंट भूली गए साले, हैंड मूवमेंट में कुछ याद, अगर मैं याद नहीं दिलाया तो उसको याद भी नहीं आता। जाते आधे रास्ते, फिर आधे रास्ते से वापस आते, गजब के शौक है। तो फिलहाल ये प्लान है कि फिलहाल हम जाएंगे रॉयल एनफील्ड के शोरूम, उनको भाई भाई को जैकेट वैकेट लेना है राइडिंग वाला। अपन कुछ लंबी राइड प्लान करेंगे, जल्द जल्द ऐसा कुछ सोच रहे, लंबी राइड प्लान जैकेट भी लेना है, उसका सलून भी निकला। सर देखो सर एक्टिवा सर, प्लीज़ प्लीज़, गरीब लोग की गरीब एक्टिवा मत ठोको ना यार। तो अभी कहाँ चलना है फिलहाल? गरीब लोग, अमीर लोग, नए सोच ले, सोच ले। पुराने कपड़े को कलर कराते हैं। फिलहाल पूजा खत्म हो गई है और ऐसे अपन फ्री भी हो चुके हैं। फिलहाल के लिए कुछ काम नहीं है और मैं काफ़ी अच्छा दिख रहा हूँ। एक चीज़ नोटिस की तो मैंने बियर्ड निकाल दिया है, आई शेव्ड ऑफ। एक्चुअली टोटली नहीं, मतलब जब किया था तब 1.5 के आसपास था, तब भी लग तो ऐसे रहा था कि मैंने पूरा शेव किया, पर मैं बता दूँ कि मैंने शेव
पिछले 6-7 साल उसे नहीं करवाया, क्लीन शेव नहीं करवाया, ट्रिम करता रहता हूँ 1.5 उसे या उससे कम पर ट्रिम कभी नहीं करवाया, इट्स नॉट माय थिंग, बट देखेंगे सोचेंगे कभी कभार शेव करवाएंगे। और फिलहाल के लिए इतनी बियर्ड भी अच्छी लग रही है, बहुत लोगों ने कहा काफ़ी अच्छी लग रही है, आप भी बताओ कैसी लग रही है। और यहाँ ना अच्छी तरह दिख रहा है, नेवर स्टॉप द राइड। या और मेन चीज़ ये थी कि मैं व्लॉग क्यों नहीं कर रहा था, उसका ना एक ही रीज़न है कि मेरे घर में थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा था। सो ये वर्किंग स्पेस जैसा कुछ देख रहे हो, मेरा पर्सनल ऐसा कुछ सा नया, सो इसी को रिनोवेट करवाने के लिए मैंने ना एक्चुअली रिनोवेट नहीं कर सकते, रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है, ये पूरा रूम निकल गया यहाँ पर, और जो यहाँ पर बेसिकली यहाँ की जो चीज़ थी सो बाजू में शिफ्ट हो गई है, और ये पूरा इतना स्पेस मेरे लिए बिल्डअप हुआ है। ऑब्वियसली व्लॉग सही से आएंगे ऐसा मैं कह सकता हूँ, और यही एक रीज़न था कि मेरे ना एक टाइम से कोई व्लॉगिंग नहीं आता बिकॉज मैं कॉन्स्टेंट काम में बिजी था। और मैं एक राइड भी प्लान कर रहा हूँ, मैं उसको लॉन्ग राइड तो नहीं कह सकता, बट यस आई कैन से इंटरमीडिएट राइड, शॉर्ट राइड भी नहीं कह सकता, लॉन्ग भी नहीं कह सकता, बीच और इंटरमीडिएट आएगा, विच इज़ अराउंड 400 किलोमीटर्स यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और टोटल मिला ना 1000 किलोमीटर के आसपास हो रहा है। तो बस उसी की थोड़ी प्रिपरेशन चल रही है, कल मैं व्लॉग शूट करूँगा। तो कल के दिन में मैं ना अभी तक राइड के लिए जो जो चीज़ें मंगवाई हुई है मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं खुद प्रिपेयर हो रहा हूँ, क्या क्या करवा रहा हूँ और क्या राइड है वो ना कल के व्लॉग में दिखाऊँगा। सो यही सब सीन था कि मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे, और अभी व्लॉग्स आएंगे बहुत सारे, और राइड तो प्लान हो ही रही है, राइड कब करूँगा कहाँ करूँगा वो ना मैं आपको फुर्सत से प्लान बन के बताऊँगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, कंटेंट बहुत अच्छे आने वाला है, वो मेरी गारंटी, तगड़ा आने वाला है। तो थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ, भूख लगी है, कुछ खाना पानी करता हूँ और रात को मिलता हूँ मैं। वैसे ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम इस जगह में बाहर हैं, बट चलने प्लान था कि हम ये रात भी नो और आधा पौना घंटा वैसे बीत चुका है। हाल फिलहाल कब से ऑर्डर किया हुआ है, पौना घंटे के आसपास होने आए, पिज्जा अभी आया नहीं है। हाँ फाइनली जा रहा भाई, हमने एक बार लूडो भी खेल लिया, हमने अमोंग अस भी ट्राई कर लिया, बट फाइनली दो गेम के बाद पिज्जा आ चुका है। वेट वेट तो यार अभी पिज्जा कैसा है बनता है उस पर है ना, पिज्जा ज़्यादा टेस्टी होगा तो फिर वेट हर्ट होगा। वेल्स क्या हुआ, क्या सीन हुआ, आने पास है बोला क्या? अच्छा सेल्फ सर्विस है, सेल्फ सर्विस ना थी, सेल्फ सर्विस नहीं थी, मतलब वो लोग डिलीवर करने आए थे पर बाइक खड़ा हुआ, उसने बोला वापस आया था। क्यों सेल्फ सर्विस नहीं थी, मतलब पूरा फायदा उठाया, लूट रहे हैं लोग, लूटना तो नहीं कह सकते, वो गए और पिज्जा यहाँ पे आ गया। कल तक बचे हो सर, पिज्जा कल तक बचे हो ना, भी इसकी खुशियों की चाबी वो और जोड़ दो, पहला 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 तो फिलहाल पेट पूजा, फिर बाकी सब दूजा, बाकी दूजा तो पेट पूजा के बाद अपन काम दूजा करते हैं, मिलते हैं जल्द, घर जाके इस लॉक की समापन करते हैं जल्द। मैं घर वापस आ चुका हूँ, अपना वो खाना पीना हो चुका है, और अभी ना फिलहाल मस्त वाला मूड वाला, मतलब दोनों भाई वहाँ पे डांस वांस कर रहे हैं, मचा रहे हैं, मतलब मज़े से, और आपको दिखाता हूँ, टेकन लुक बहुत मज़ा आया। थोड़ी देर मैंने पार्टिसिपेट किया और अभी भी करने वाला हूँ, मतलब बच्चों के साथ बच्चा बनने में और ही मज़ा आता है। टेकन लुक, वेट अ मिनट, जो गोरी आएगी तेरे सजदा। वैसे किसी ने सही कहा है कि त्यौहारों का असली मज़ा ना अपनों के साथ आता है, अपनों के पास आता है, और जितने अपने ज़्यादा उतना मज़ा दुगना दुगना चौगना, मतलब बहुत। तो
ट्राई करो कि त्योहारों में आप अपनों के साथ रहे और फिजिकली साथ होने के साथ साथ मेंटली पास भी रहो। पास रहना ज़्यादा मैटर करता है, उसी वजह से मैं हरदम कहते था तब तक आप अपनों के पास रहिए, साथ रहिए और खास रहिए और आबाद रहे और मुस्कुराते तो रहिए ही और देखते रहे मेरा व्लॉग श्रुति रोशन। सो आज इसके साथ अपन व्लॉग यहाँ ही ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, आगे व्लॉग कंटिन्यू रहेंगे और अच्छे आएंगे, दैट्स माई गारंटी। सपोर्ट बनाते रहना, दैट्स योर गारंटी, मतलब आप कर सकते हो, मन चाहे तो, ना करना हो तो भी कर देना यार, भाई का भला ही हो जाएगा। तो मिलते किसी नए से व्लॉग में चल, और हाँ लाइक करना मत भूले, और नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना यार, सपोर्ट तो बनाए रखना। मिलता हूँ जल्द, तब तक के लिए बाय।